नमस्कार, स्वागत करता हूँ एक और फ्रेश वीडियो में। रफ्तार क्या छोड़ू में हम बात करेंगे। मैंने आप सभी लोगों को जानकारी दी थी कि 11 बजे 3 अक्टूबर को महिंद्रा थार रॉक्स की जो बुकिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगी, और मैंने आपको कहा था यार अगर आप बुक करना चाहते हो ना तो कर लीजिएगा, वरना तो आप समझ जाए गाड़ी के ऊपर 1 साल से ज़्यादा वेटिंग पीरियड रहेगा। कई लोगों ने उस वीडियो पे इतना कमेंट किया भद्दा भद्दा, मैं आपको क्या बताऊं। बट यार मैं आपको बता दूं, ऐसी इतना एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ियों के बारे में। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 1 घंटे के अंदर 1.76 लाख बुकिंग हुई है महिंद्रा थार रॉक्स की। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ ये 1 घंटे का मैं रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ। आपको मैं बता दूं ये पूरे दिन में कितनी बुकिंग होगी आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं। जब 1 घंटे के अंदर किसी गाड़ी की बुकिंग लगभग 1.76 लाख तक जा सकती है, इनमें से कई लोग होंगे जो कैंसिल भी कराएंगे, इस बात पे कोई शक नहीं। बट मैं आपको बता दूं यार इतने ज्यादा क्रेजी फैन है यहाँ पर महिंद्रा थार रॉक्स के। और जब थार रॉक्स 5 डोर में आ गई तब, क्योंकि यार जब अब के समय पे ये जो महिंद्रा थार रॉक्स है ना, इतनी ज्यादा आपको मैं बता दूं वैल्यू फॉर मनी है, या फिर अगर हम बात करें इतनी ज्यादा कैपेबल है और अब काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड भी हो गई है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्राइमरी गाड़ी अब बन सकती है लोगों की, और लोग भी यही सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं यार ये कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी जब थार आई थी तो उसके भी लगभग ऐसे ही हमें बुकिंग्स देखने को मिले थे, और क्रेजी फैन बेस है महिंद्रा थार रॉक्स का। और अगर हम बात करें यार यहाँ पे थार के समय में भी गाड़ी के ऊपर लगभग 1 से 1.5 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है, और यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा लोगों ने बुक किया है, इतना ज़्यादा लोगों ने प्यार किया है। मैं आपको क्या बताऊँ यार, महिंद्रा को भी पता है कि ये जो उनका प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हिट प्रोडक्ट है, और आज के दिन पता भी चल गया। यानी 3 अक्टूबर को मैं बता दूं 11 बजे बुकिंग स्टार्ट हुई थी, 11 से 12 के बीच में 1.76 लाख बुकिंग इस गाड़ी की हो गई। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा क्रेजी फैन बेस रखती है महिंद्रा थार रॉक्स अपना इंडियन मार्केट में। क्योंकि अगर हम बात करें यार इतनी हाई कैपेबल गाड़ी और वो भी इतने कम प्राइस में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। रियर व्हील ड्राइव तो यार इसका और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाता है अगर आप बेस मॉडल की बात करें तो वो भी। इसलिए यार कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें देखने को मिला, ये कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने बताई आपको पहले भी। आपको मैं फिर से बता दूं जो बेस मॉडल है वो उसको मिलना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे, चाहे 4x4 के भी बेस मॉडल की बात करें, चाहे आप रियर व्हील ड्राइव के भी बेस मॉडल की बात करें, अच्छा खासा वेटिंग पीरियड यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी टॉप एंड मॉडल शायद आपको जल्दी मिल जाए। अभी मैं आपको और वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे बता दूंगा कि कौन से मॉडल पे कितनी बुकिंग हुई है, ताकि आप लोग और भी क्लियरिफाई रखें, ताकि आपको पता चल जाए कि यार कब आएगी मेरी गाड़ी यहाँ पर। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक चाहे सब्सक्राइब जरूर करेगा। दिस इज मी साइनिंग ऑफ रफ्तार 1711। जय हिंद जय भारत।